नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल डू डिस्कस ऑन 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद प्रैक्टिस सेट 38। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर वन। व्हेन ही रोट क्वीन मैप, सैली वॉज ओनली 18 ईयर्स। तो हियर इज क्वेश्चन फॉर यू दैट कि सैली की एज क्या थी जब उन्होंने क्वीन मैप लिखा था। तो दैट इज 18 ईयर्स। उस समय सैली की एज 18 साल थी जब उन्होंने क्वीन मैप लिखा था। क्वेश्चन नंबर टू। विच ऑफ सैलीज पोएम्स हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी। तो ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड वो कौन सा पोएम है सैली का, दैट इज प्रोमेथस अनबाउंड। प्रोमेथस अनबाउंड जो है वो सैली का पोएम है और ग्रीक मिथोलॉजी से इसमें इन्होंने स्टोरी को बोरो किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। विच पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉलोड बाय ग्रीक रिवोल्ट अगेंस्ट टर्किश रूल। हेलास, सैली। तो सैली का ये पोएम है हेलास, जिसमें बताया गया है ग्रीक रिवोल्ट के द्वारा जो टर्किश रूल के अगेंस्ट ग्रीक लोगों ने रिवोल्ट किया था और फिर ग्रीक का प्रोक्लेमेशन हुआ था इंडिपेंडेंस को लेकर। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर सैली ने पोएम लिखा है हेलास। तो ये हेलास किससे रिलेटेड है, ग्रीक प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, और किस तरह का इंडिपेंडेंस, अगेंस्ट ऑफ टर्किश रूल। क्वेश्चन नंबर फोर। हु इज एडोनिस ऑफ द पोएम एडोनिस। पीबी सैली का पोएम है एडोनिस और इसमें एडोनिस कौन है, तो दैट इज जॉन किड्स। पीबी सैली ने एडोनिस पोएम को जॉन किड्स की डेथ पर लिखा है और ये एक तरह का एलिजी है और इन्होंने जॉन किड्स की लाइफ डेथ होने पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो ब्रूटल रिव्यूअर थे उनकी वजह से जॉन किड्स की डेथ होती है। ये सारी चीजें उन्होंने इस पोएम में कहा है। तो एडोनिस पोएम का एडोनिस जॉन किड्स है। क्वेश्चन नंबर फाइव। हु मीट कैरेक्टर्स सच एज आशिया, हरक्यूलिस, जुपिटर इन प्रोमेथस अनबाउंड। तो हम लोगों को वो कैरेक्टर्स जो हैं आसिया, हरक्यूलिस और जुपिटर नाम के कैरेक्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये सैली का वर्क है प्रोमेथस अनबाउंड। प्रोमेथस अनबाउंड में ही आपको आशिया, हरक्यूलिस और जुपिटर नाम के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इन विच नॉवेल वॉल्टर स्कॉट प्रोजेक्ट्स स्कॉटलैंड अंडर रॉबर्ट ब्रूस किंग एंड नेशनल हीरो। तो वॉल्टर स्कॉट ने अपने किस नॉवेल में स्कॉटलैंड को प्रोजेक्ट किया है, किसके अंडर, रॉबर्ट ब्रूस के अंडर। रॉबर्ट ब्रूस कौन है, किंग है और नेशनल हीरो है। दैट नॉवेल इज कॉसिल डेंजरस। कॉसिल डेंजरस में वॉल्टर स्कॉट ने प्रोजेक्ट किया स्कॉटलैंड को रॉबर्ट ब्रूस के रूल के अंदर और वो किंग है, साथ में नेशनल हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस। तो याद रखेंगे सर वॉल्टर स्कॉट का ये नॉवेल है कॉसिल डेंजरस। क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। द ब्लैक ड्वार्फ, द लीजेंड मॉन्ट्रोस, द टैलिशमैन। तो यहाँ पे जो भी वर्क्स ये तीनों दिए गए हैं ये सभी सर वॉल्टर स्कॉट के हैं। वॉल्टर स्कॉट ने ही लिखा है द ब्लैक ड्वार्फ, द लीजेंड मॉन्ट्रोस, द टैलिशमैन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इवानहो। इवानहो का बैकग्राउंड क्या है, एनिमिटी ऑफ सैक्सन एंड नॉर्मन। तो इवानहो जो वर्क है इसमें सैक्सन और नॉर्मन लोगों के बीच में जो दुश्मनी है, एनिमिटी है, उसको प्रेजेंट किया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन। हु रोट द फॉलोइंग कॉसिल रेक्रेंट, द एब्सेंटी और मंड। ये तीनों वर्क किसने लिखा है, कॉसिल रेक्रेंट, द एब्सेंटी और मंड, मारिया इजवर्थ। तो याद रखेंगे मारिया इजवर्थ का वर्क है कॉसिल रेक्रेंट, द एब्सेंटी और मंड। क्वेश्चन नंबर टेन। दिस वुमेन नॉवेलिस्ट रोट स्कॉच नॉवेल्स, थैडियस ऑफ वॉरसम एंड द स्कॉटिश चीफ्स। हु इज सी, जेन पोर्टर। हियर इज क्वेश्चन दैट कि एक वुमेन नॉवेलिस्ट है जिन्होंने स्कॉच नॉवेल्स लिखे हैं और वो स्कॉच नॉवेल्स कौन कौन से हैं, थैडियस ऑफ वॉरसा और दूसरा है द स्कॉटिश चीफ्स। तो दैट इज जेन पॉटर। ये दोनों वर्क जेन पॉटर के और ये स्कॉच नॉवेल्स हैं एंड शी इज फेमस फॉर राइटिंग स्कॉच नॉवेल्स।
क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट हेडलॉन्ग हॉल, मेड मरियन, मेलिनकोर्ट, नाइटमेयर एबे, मिसफॉर्च्यून्स ऑफ एल्फिन, क्वोचेट कॉशिल एंड ग्रिल ग्रेंस। ये सारे वर्क किसके हैं? टॉमस पिकॉक के हैं। तो याद रखेंगे टॉमस पिकॉक जो है इन सारे वर्क्स के राइटर है, ऑथर है। हेडलॉन्ग हॉल, मेड मरियन, मेलिनकोर्ट, नाइटमेयर एबे, मिसफॉर्च्यून्स ऑफ एल्फिन, क्रोसेट कैशिल एंड ग्रिल ग्रेंस। ये सभी वर्क टॉमस पिकॉक के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु आर एसोसिएटेड विद एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है एट द टाइम के, उससे कौन कौन रिलेटेड है? तो सिडनी स्मिथ, हेनरी ब्रॉगम, फ्रांसिस जेफरी, ये तीनों ही लोग जो है वो एडिनबर्ग रिव्यू से रिलेटेड है, उनसे एसोसिएटेड है, उनसे जुड़े हैं। तो याद रखेंगे कौन कौन? सिडनी स्मिथ, हेनरी ब्रॉगम, फ्रांसिस जेफरी, किससे जुड़े हुए हैं? एसोसिएटेड है एडिनबर्ग रिव्यू से। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ जेन ऑस्टिन रिमार्क्स, अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जंप्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमनी इन अ मोमेंट, हु सेड दिस एंड इन विच नॉवेल। तो ये जो डायलॉग है ये किसका है? डार्सी का है और प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। जेन ऑस्टिन नॉवेलिस्ट है, वुमेन नॉवेलिस्ट है और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से एक है प्राइड एंड प्रेजुडिस और ये फेमस नॉवेल है इनका। इसमें डार्सी नाम का कैरेक्टर होता है और उसी का ये स्टेटमेंट है, उसी का ये डायलॉग है। याद रखेंगे, अ लेडीज इमेजिनेशन इज अ रैपिड, इट जंप्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमनी इन अ मोमेंट। तो ये डार्सी का स्पीच है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। क्वेश्चन नंबर 14, हिज सोनेट वाज रिजेक्टेड बाय अ मैगजीन जेम ऑन द प्ले दैट इट वुड शॉक मदर्स, एट दिस ही रोट टू अ फ्रेंड, आई बोर्न आउट ऑफ टाइम व्हेन माय सोनेट वाज रिजेक्टेड, आई एक्सक्लेम्ड हैंग द एस, आई विल राइट फॉर एंटिक्विटी, हु इज ही? चार्ल्स लैम्ब। तो ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। एक्चुअली चार्ल्स लैम्ब के सोनेट को रिजेक्ट कर दिया गया था मैगजीन जेम के द्वारा, तो और ऐसा कहकर रिजेक्ट किया गया था कि ये जो मदर से उनको शॉक करेंगे, तो इनका ये जो सोनेट है वो मदर को शॉक करेंगे, इसी वजह से इनके सोनेट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लिखा, आई बॉर्न आउट ऑफ टाइम, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा, व्हेन माई सोनेट वॉज रिजेक्टेड आई एक्सक्लेम हैंग द एज। तो ये किनके स्टेटमेंट है? चार्ल्स लैम के हैं, और कब? जब उनके सोनेट को रिजेक्ट कर दिया गया पब्लिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 15, दिस पैट्रियोटिक सॉन्ग इज ऑफन प्रिस्क्राइब फॉर स्कूल एंथोलॉजीज इन इंडिया। यहाँ ऑफन होगा, स्पेलिंग को सही कर लेंगे। ब्रीथ्स देयर द मैन, दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड। एक्चुअली ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है और इंडिया के जो स्कूल एंथोलॉजीज है उसमें ये देखने को मिलेंगे। तो ये किसका वर्क है? वॉल्टर स्कॉट का वर्क है। याद रखेंगे वॉल्टर स्कॉट का है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डू वी फाइंड बिंगले। बिंगले नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखने को मिलेगा, दैट इज द नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन का नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में बिंगले नाम के कैरेक्टर्स ये आप मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम कुबला खान पब्लिश्ड। एसटी कॉलेज का फेमस वर्क है कुबला खान, और ये अनफिनिश्ड पोएम है, अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम ये कब पब्लिश्ड होता है? 1816 में पब्लिश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द लाइन, अबाउट 30 इयर्स एगो मिस मारिया वार्ड ऑफ हटिंगडन विथ ओनली 7000 पाउंड्स had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram. This is the beginning of a novel by Jane Austen. Which one is? Mansfield Park. तो ये एक novel की beginning है, और पूछा गया है कि किस novel की beginning है? तो ये है Mansfield Park की beginning है, और ये किसका work है? Jane Austen का work है। Jane Austen का one of the famous novel है Mansfield Park, और इसी की ये beginning है, शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, व्हिच ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स बिगिंस विद दिस वर्ड्स,
Pride and Prejudice, again from Jane Austen. This question is also from Jane Austen और इसमें पूछा गया है, ये statement है और पूछा गया कि ये किस novel की शुरुआत है, तो Pride and Prejudice की है. Jane Austen का novel Pride and Prejudice इसी statement के साथ शुरू होता है. याद रखेंगे, इतना से याद रखिएगा, single man in possession of a good fortune must be in want of wife. इतना से याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस की बिगिनिंग स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ स्कॉट्स नॉवेल्स डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्यूरिटन्स द कोवेनेंटर्स एंड द रॉयल फोर्सेस अंडर क्लेवर हाउस कॉशियल डेंजरस. वॉल्टर स्कॉट का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है किसके बीच, प्यूरिटन्स के बीच में जो कि कोवेनेंटर्स से एंड द रॉयल फोर्सेस जो कि क्लेवर हाउस के अंडर है. तो रॉयल फोर्सेस और प्यूरिटन्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्ट करता है स्कॉट का नॉवेल और दैट नॉवेल इज कॉशियल डेंजरस. याद रखेंगे कॉशियल डेंजरस में ही प्यूरिटन और रॉयल फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया गया है वॉल्टर स्कॉट के द्वारा एंड इट इज नॉवेल ऑफ वॉल्टर स्कॉट. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.